तुम दोनों में से जिसने मुझे पेन सेल कर दिया उसकी नौकरी पक्की। और आपका टाइम शुरू होता है अब। हेलो सर, ये देखिए, ये एक बड़ी कंपनी का क्लासिक पेन है। अगर आप इससे जो भी लिखेंगे ना, बहुत सुंदर और क्लियर दिखाई देगा। नहीं चाहिए। सर, आप एक बार इस पेन को चला कर देखिए, ये जरा भी इंक नहीं छोड़ता है और इससे आपकी राइटिंग ना और ज्यादा निखर जाएगी। मेरी राइटिंग पहले ही बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है सर ये पेन आगे चलकर आपके लिए लकी साबित हो। लक में वो लोग बिलीव करते हैं जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता। सर, शायद आपने इस पेन को सही से देखा नहीं है। ये कोई मामूली पेन नहीं है, ये पेन सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी मूवी में इस्तेमाल किया था, तो आपको ये लेना चाहिए। नाइस ट्रिक, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। नहीं चाहिए मुझे। सर, इसके अलावा आपके पास कोई और पेन है? हाँ है। आप मुझे दे सकते हैं प्लीज? नाइस पेन सर। सर, इसके अलावा कोई और पेन है आपके पास? नहीं, मेरे पास एक पेन था, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्या, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ के पास कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं है? क्या मतलब तुम्हारा? मेरे पास एक पेन था, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। लाओ मेरा पेन वापस। तो कौन सा पेन सर? जो मैंने तुम्हें अभी दिया था। पर सर, आपने तो मुझे कोई पेन दिया ही नहीं है। क्या बकवास कर रही हो, अभी मैंने तुम्हें पेन दिया है, लाओ वापस दो मेरा पेन। इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ किसी को दिया हुआ 5 रुपए का पेन वापस मांग रहे हैं। सो सैड, बहुत दुख की बात है सर ये। क्या बकवास करी जा रहे हो तुम? आई एम सॉरी सर, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, ऐसा तो लोग कहेंगे। अगर आप किसी को दिया हुआ पेन वापस मांगने जाएंगे तो क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी आपकी? और क्या अंतर रहेगा आप में और आपके एम्प्लॉयज में अगर आप भी उनकी तरह एक पेन रखेंगे? और सर, अगर आपको कभी डॉक्यूमेंट साइन करना हो और आपके पास पेन ना हो, सर इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ आप मुझसे ये एक्स्ट्रा पेन खरीद लीजिए, आपके भले की बात है। मानना पड़ेगा, पेन बेचने के लिए तुमने अच्छा दिमाग लगाया। सर, मेरे पास ना एक स्पेशल ऑफर भी है। क्या ऑफर है? अगर आप ये पेन खरीद लेंगे ना, तो इसके बदले में मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट दे सकती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मुझे ना ये जॉब हर हाल में चाहिए, और इसके बदले में मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ। साफ शब्दों में कहूँ तो कॉम्प्रोमाइज। क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ ऑफर है? ठीक है, मैंने आप दोनों की परफॉर्मेंस देख लिया, तो आप दोनों बाहर वेट करिए, मैं अभी बताता हूँ। थैंक यू सर। तुम बेवकूफ हो क्या? अब तक रिजल्ट का वेट कर रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि मेरे स्पेशल ऑफर के बाद वो तुम्हें जॉब पर रखेंगे? तुम एक जॉब के लिए तो नीचे कैसे कर सकती हो? तुम छोटे शहरों की लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम होती है, संस्कारी बनकर भी रहना है और जॉब भी चाहिए। तुम ना एक काम करो, अपने गांव जाकर ना गाय को चराओ, तुम पर वही सूट करता है, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है ये जॉब करना और लोगों को इम्प्रेस करना। जाओ यहाँ से तुम। आप दोनों को बॉस ने अंदर बुलाया। आप दोनों की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैंने सेलेक्ट किया है, और जिसे मैंने सेलेक्ट किया है वो है पूजा। थैंक यू सर। क्या मैंने आपके लिए ये सब और आप? जो इंसान नौकरी पाने के लिए गलत काम कर सकता है, कल को वो अगर हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेता है तो वो अपने फायदे के लिए मुझे और हमारी कंपनी को भी धोखा दे सकता है। मुझे अपनी कंपनी में साफ नियत वाले मेहनती और ईमानदार लोग चाहिए, ना कि तुम जैसे गलत करने वाले लोग। और मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देता हूँ,
जॉब करना, किसी को इम्प्रेस करना या सक्सेस को पाना, लोग अपनी मेहनत से अपने दम पे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटे शहर से आया है तो वो सक्सेस नहीं पा सकता या कुछ अचीव नहीं कर सकता। मैंने तुम दोनों की बातें बाहर सुन ली थी और इसी से मैंने आइडिया लगाया था कि तुम सक्सेस को शॉर्टकट से पाना चाहती हो, लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आगे से कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो ट्राई करना इंटरव्यू अपने टैलेंट के दम पे क्रैक करो, ना कि गलत काम करके। आप जा सकते हो। कांग्रेचुलेशन पूजा, आप बाहर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। ओके सर।